Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Shiny. And video start करने से पहले I just want to request you all to please ignore the background noise because construction चल रही है अभी side वाले घर पे. So आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ Amazon summer tops haul which are just under ₹500. Amazon पे अभी चल रही है mega fashion days sale from 7th of April to 11th of April. So description box को जरूर check करें for all the purchasing links and for all the sale details. So without wasting any time Let's just get into the video. First top एकदम summer appropriate है और ये top आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एक cotton printed material है ये और ये जो print है ना ये आजकल काफी trend में भी है and ये इंडिगो ब्लू कलर में है विच इज ऑल्सो अ वेरी ट्रेंडिंग कलर दीज डेज ये हाईनेक पैटर्न में है एंड दिस टाइप ऑफ कुर्ता शॉर्ट कुर्ता लुक्स सो क्लासी एंड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देता है दिस इज इन द साइज एस ये मेरे लिए एकदम फिटेड है शॉर्ट लेंथ कुर्ती टाइप्स है एकदम टॉप स्टाइल कुर्ती है बेसिकली एंड ये 3/4 स्लीव्स है इसके एंड स्लीव्स में भी आपको इस तरीके के थोड़ा सा बटन डिटेलिंग भी मिल जाएगी सो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मार्ट पीस दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मिक्स जो कि आई थिंक अमेजन का ही कुछ ब्रांड होगा आई डोंट नो आई डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट दैट बट ये मिक्स ब्रांड का है एंड इनके कई सारे डिजाइन कई सारे प्रिंट ऑप्शन कई सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें अगर आप इनके कुछ और ऑप्शन चेक करना चाहते हैं मैंने लिंक्स प्रोवाइड किया है नेक्स्ट टॉप अगेन एक कॉटन कुर्ती सेम एक शॉर्ट कुर्ती है टॉप स्टाइल कुर्ती बट इसका जो साइज है वो एम साइज है क्योंकि मुझे इसमें ना थोड़ा सा ढीला ढाला चाहिए था ये भी हाईनेक पैटर्न में है 3/4 इसके स्लीव्स है स्लीव्स में भी इस तरीके के फोल्डेड बटन वाली डिटेलिंग की गई है तो ये भी है फ्रॉम द ब्रांड मिक्स एंड ये एम साइज में है इसका जो प्रिंट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है एंड एकदम समर अप्रोप्रिएट है एंड ये जो पिंक कलर है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल मटीरियल है इट इज़ ऑफ प्योर कॉटन ये शॉर्ट लेंथ कुर्ती है इतना इसका लेंथ है एंड नीचे के पोर्शन में आपको इस तरीके के कुर्ती स्टाइल एक स्लिट मिल जाएगी दिस इज़ वेरी स्मार्ट पीस ये भी आप ऑफिस के लिए डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं एंड दिस कीप्स यू वेरी कंफर्टेबल बाय द वे समर के लिए एकदम ब्रीदेबल फैब्रिक है यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द टी शर्ट फॉर समर्स सो बहुत सारे टी शर्ट ऑप्शन आज मैं शेयर करूंगी पहला जो टी शर्ट है वो मस्टर्ड कलर में है एंड बींग अ न्यूज रीडर मुझे शर्ट्स टी शर्ट्स फॉर्मल वेयर्स काफी ज्यादा चाहिए होता है ब्लेजर के नीचे पहनने के लिए तो शर्ट्स क्या है कि समर सीजन में कभी कभार हम इतना तक स्लीव होता है तो कभी कभार हमें अनकंफर्टेबल फील होता है शर्ट्स तो मेरे पास शर्ट ऑप्शंस भी है वो हॉल भी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ लेकिन ब्लेजर के नीचे ना मुझे इस तरीके के फिटेड टी शर्ट्स बेस्ट लगते हैं क्योंकि कुछ भी क्रीज एंड ऑल नहीं आते बिकॉज दीज आर परफेक्टली फिटेड और जो स्लीव्स है ना वो इत्तू सा है और स्लीव्स भी एकदम टाइट है तो ब्लेजर आप इसके ऊपर डालोगे ब्लेजर तो वो शो अप नहीं होगा कभी कभार शर्ट में स्लीव्स इतने तक होते हैं तो वो शो होता है बट इसमें शो नहीं होगा एंड काफ़ी अच्छा एक फॉर्मल लुक भी मिलता है सो फॉर न्यूज़ रीडिंग पर्पस मैंने इतने सारे टी शर्ट्स को परचेस किया है एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड सिंबल एसेंशियल्स ये स्मॉल साइज में है जो कि मेरा परफेक्ट साइज है एंड ये एकदम फिटेड टी शर्ट है मटीरियल बहुत ही अच्छा है सॉफ्ट मटीरियल है सेम टी शर्ट मैंने रेड कलर में परचेस किया है एंड ये भी स्मॉल साइज में ही है एंड लुक एट द कलर लुक सो प्रिटी कई सारे ब्लेजर्स है मेरे पास अलग अलग कलर्स के तो उनके साथ पेयर करने के लिए मैंने डिफरेंट कलर के ये टी शर्ट्स पहने हैं ये काफी वर्सेटाइल है आप इसे स्टाइल अप कर सकते हैं अपने ओकेशन के हिसाब से किसी ब्रंच डेट पर आप जा रहे हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसके साथ आप कोई मॉम जीन्स भी स्टाइल कर सकते हैं विथ वाइट स्नीकर्स एंड ऑल और अगर आप कुछ फॉर्मल लुक चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्लेजर डाल सकते हैं सो बेसिक टी शर्ट्स आर मस्ट हैव स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन क्योंकि वो काफी कंफर्टेबल होते हैं नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत ही ट्रेंडिंग एक कलर है विच इज दिस लैवेंडर कलर एंड ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों ने मुझे इसको पहने हुए काफी सारे वीडियोज में देखा है क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था इसके कलर की वजह से स्पेशली आई लव द कलर एंड लुक एट दिस मैंने बहुत बार इसे वॉश किया है कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इसमें मेरा साइज है एम ये मैंने थोड़ा सा ढीला ऑर्डर किया है एंड आई लव द क्वालिटी एंड इसका कलर स्पेशली बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है ब्लैक इज अ वर्सेटाइल कलर और मैं किसी भी ग्रे ब्लेजर के नीचे ना ब्लैक टी शर्ट्स पहना या शर्ट्स पहना पसंद करती हूँ इट लुक्स वेरी क्लासी ऑन कैमरा स्पेशली तो ये जो ब्लैक कलर की टी शर्ट है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड ये एम साइज में है
आई लव इन सब में से मेरा लैवेंडर कलर और ये ब्लैक कलर वाला फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक होने की वजह से ना, अगर आप एक साइज ढीला ऑर्डर करते हैं तो यू फील सुपर कम्फर्टेबल इन इट. अगर आप कोई बेसिक फॉर्मल टी शर्ट्स ढूंढ रहे हैं तो सिंबल ब्रांड के ये जो टी शर्ट्स है ये आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉटन के एक कुर्ता स्टाइल मैंने टॉप लिया है विच इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. ये ब्रीदेबल फैब्रिक है बट मैं इसे एकदम 100% कॉटन नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा मिक्स्ड मटेरियल है, विच इज वाई आई थिंक इसका कलर फेड नहीं हुआ, क्योंकि ये एकदम ब्राइट पिंक कलर में है. ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ब्लैक किसी भी लेगिंग्स या डेनिम के साथ इट लुक्स परफेक्ट ऑन मी. ये एम साइज में मैंने मंगाया है, ये 3/4 स्लीव्स में है. स्लीव्स में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के मिरर एंड थ्रेड वर्क की डिटेलिंग की गई है, एंड ऑल ओवर द फ्रंट पोर्शन इस तरीके के थ्रेड एंड मिरर की डिटेलिंग है. ये आर्टिफिशियल मिरर्स है. ओवरऑल इसका जो लुक है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एकदम आप इससे ना बोहो काइंड ऑफ एक लुक क्रिएट कर सकते हैं विथ जंक सिल्वर ज्वेलरीज एंड ऑल. सो मुझे ये अच्छा लगा. एंड इसका फैब्रिक रेयन प्लस कॉटन मिक्सड है आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा फील हुआ मुझे, बट द फैब्रिक इज वेरी कम्फर्टेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक share and subscribe to my channel. All the purchasing links are provided in the description box, so make sure you check my description box. Thanks for watching. Bye.